हेलो प्रिय स्टूडेंट्स मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बता रहा हूँ यदि आप प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप किसी भी बोर्ड के हैं और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपने साथ एक प्रोजेक्ट फाइल और एक प्रैक्टिकल फाइल ले जाना होता है तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट फाइल किस तरीके से तैयार किया जाता है आप जिस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हैं इसके लिए आप क्या करेंगे या तो अपने हाथ से या तो कंप्यूटर से हाथ से या तो लिखेंगे या तो कंप्यूटर में आप टाइप करेंगे जो फ्रंट पेज है फ्रंट पेज जितना सुंदर होगा आपके एक्सटर्नल उतने ही खुश होंगे और आपके मार्क्स उतने अच्छे लगेंगे उनका इम्प्रेशन आपके प्रति उतना अच्छा होगा मैं यहाँ पर होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सबसे पहले फ्रंट पेज पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे यदि आपकी स्कूल का कोई लोगो है तो आप यहाँ पर लोगो लगाएंगे आपकी सेशन के स्टूडेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर सेशन लिखना होगा फिर ये केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट आपने बनाया है तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री प्रोजेक्ट लिखेंगे और यदि हो सके तो आप यहाँ पर टॉपिक भी लिख दें कि केमिस्ट्री प्रोजेक्ट में आपका टॉपिक क्या है क्लास ट्वेल्थ साइंस या ट्वेल्थ केमिस्ट्री लिख सकते हैं फिर उसके बाद यहां पर सबमिटेड टू आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे सबमिटेड बाय आप खुद सबमिट कराएंगे तो यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे ये फर्स्ट प्रिंट हुआ उसके बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं सेकंड फ्रंट सेकंड पेज का सेकंड पेज के ऊपर इंडेक्स होना चाहिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं यह आपका हो गया फ्रंट पेज और यह सेकंड पेज है सेकेंड पेज पर आप यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे सीरियल नंबर कंटेंट और पेज नंबर इससे क्या होगा कि टीचर को ये पता लग जाएगा कि आपने कौन से कंटेंट्स किस किस पेज पर लिखे हैं उनको जो पेज देखना होगा वो देख लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पेज माना जाएगा अब आगे के लिए इस पेज के बाद जो भी पेज होगा वो फर्स्ट पेज आपका काल आएगा इस पर आप सर्टिफिकेट आप लिखेंगे यानी कि टीचर जो आपको सर्टिफिकेट देंगे फिर एक्नॉलेजमेंट इस एक्नॉलेजमेंट में आप टीचर प्रिंसिपल ये जो भी आपको गाइड किए हैं उनको थैंक्स बोलेंगे एम यहां पर आपको वो टॉपिक लिखना है फिर एपरेटस इस एक्सपेरिमेंट को करने में कौन कौन से अप्रेटर्स आपने यूज किए हैं वो लिखना है उसके बाद केमिकल रिक्वायर्ड उस प्रैक्टिकल को करने में उस प्रोजेक्ट को तैयार करने में आपने किस तरह के केमिकल्स यूज किए हैं वो केमिकल्स के नाम लिखने होंगे सिक्स नंबर पर बैकग्राउंड सेवन्थ नंबर पर इंट्रोडक्शन एट्थ नंबर पर रिएक्शन चूंकि केमिस्ट्री है तो रिएक्शन होगा ही नाइन्थ नंबर में यहाँ पर हो गया प्रोसीजर और टेंथ नंबर में आपने क्या सावधानी बरती ये इस काम के लिए कौन कौन सी सावधानियां जरूरी हैं और फिर लास्ट में आपको बिब्लियोग्राफी आप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लीजिए इस तरीके से तैयार करना है ऊपर में आपने सर्टिफिकेट लिखा यहां पर आपके बोर्ड का जो रोल नंबर होगा वो लिखेंगे यहां पर दो बार रोल नंबर लिखना कोई जरूरी नहीं है ये एग्जाम नंबर है ये आप छोड़ सकते हैं फिर यहां पर दिस इज टू सर्टिफाई दैट इस बीच में आपका नाम आ जाएगा यहां पर दैट के बाद जो यहाँ पर खाली स्पेस देख रहे हैं जिसे मान लीजिए आपका नाम ओम प्रकाश है तो आप लिखेंगे ओम प्रकाश ए स्टूडेंट ऑफ ट्वेल्थ हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रिसर्च ऑन बिलो मैंस प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे क्योंकि आप अपने टीचर के गाइडेंस में आपने ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट तैयार किया है आपका जो एकेडमिक सेशन है जैसे कि 2020-21 यहाँ यहां पर आप अपना सेशन लिखेंगे और यहां पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे आप जिस स्कूल के स्टूडेंट हैं फिर यहां पर टीचर आपके सिग्नेचर करेंगे और ये पोर्शन आप खाली छोड़िएगा जब आपके एक्सटर्नल आएंगे तो वो यहां पर सिग्नेचर करेंगे फिर ये एक्नॉलेजमेंट हो गया यानी कि आप यहां पर थैंक्स बोलेंगे आप अपने प्रिंसिपल का यहाँ पर अपने प्रिंसिपल सर का नाम लिखेंगे और इसके नीचे में जो आपको ये ब्लू कलर से दिखाई पड़ रहा है यहां पर आप अपने सब्जेक्ट टीचर के नाम लिखेंगे जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं फिर यहाँ पर एम हो जाएगा यानी कि एम में आपको अपने टॉपिक का नाम लिखना है कि आप जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं किस टॉपिक पर बना रहे हैं आप देखेंगे कि आपके प्रैक्टिकल फाइल में जहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है वहाँ पर करीब दस या बारह प्रोजेक्ट्स के नाम हैं आप उसमें से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें और जिस टॉपिक के बारे में आप लिखने जा रहे हैं या तैयार करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट वो यहां पर नाम आएगा उसके बाद यहां पर कौन कौन से एपरेटर्स आपने यूज किए जैसे कोनिकल फ्लास्क है फनेल है ग्लास रड एक्सेट्रा जो कुछ भी है बिल्कुल स्पष्ट लिखे हुए होने चाहिए चाहे आपकी सुंदर राइटिंग हो तो आप अपने सुंदर राइटिंग से लिखें और यदि राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो बेटर रहेगा कि आप कलरफुल इसको आप टाइप करें और प्रिंट निकलवाएँ उसके बाद इसमें जो जो केमिकल्स आपने यूज किए हैं वो केमिकल्स के नाम लिखने होंगे और पेज नंबर जरूर अब देना है ताकि टीचर को कोई परेशानी ना हो चेक करने में और याद रहे कि प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल दोनों अलग अलग होते हैं उसके बाद यहां पर बैकग्राउंड में आ जाएगा यानी कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में थोड़े से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ओवरव्यूज जैसे कि यहां पर रियॉन फाइबर से रिलेटेड है यहां पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दिए गए हैं आप अपने टीचर से हेल्प ले लेंगे बनाते समय फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन इस प्रोजेक्ट के बारे में और ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसमें कौन कौन से रिएक्शन हुए हैं आपको क्या ऑब्जर्वेशंस मिले हैं वो सारे रिएक्शन्स आपको यहाँ पर लिखना है उसके बाद इस प्रोजेक्ट को आपने किस तरीके से पूरा किया यहाँ पर स्टेप वाइज आपको यहाँ पर इसके प्रोसीजर को लिखने हैं जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ट्वेंटी ग्राम आपने कॉपर सल्फेट लिया फिर उसे बीकर में ट्रांसफर किया जिसमें कि हंड्रेड मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर था उसमें फिफ्टीन परसेंट डाइल्यूट एस टू एस ओ फोर डाला ये आपने क्यों डाला एस टू एसओ फोर ताकि यहां पर कॉपर सल्फेट का हाइड्रोलाइसिस ना हो सके नहीं इस तरीके का आपको यहां पर लिखना प्रोसीजर जब यहाँ पर ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप इस प्रोजेक्ट को तैयार करते समय क्या क्या सावधानी रखे थे या क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उन सावधानियों को आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर आपने जो ये प्रोजेक्ट तैयार किया इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए आपने किस बुक का सहारा लिया या किसी नेट का सहारा लिया या किसी साइट का सहारा लिया यानी कि आपको स्टडी मटेरियल्स कहाँ से मिले आपने कहाँ पर काम किया वो आपको यहां पर लिखना होता है ये इतना तैयार करने के बाद इसे फाइल कवर के द्वारा फाइल कवर में इसे बंद कर लें और एग्जाम से पहले आप अपने टीचर से यह चेक करवा लें और चेक करवाने के बाद इसे अपने पास रख लें जिस दिन भी आपका प्रैक्टिकल होगा जिस दिन भी आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन अपने साथ ये प्रैक्टिकल फाइल और ये जो आपने प्रोजेक्ट फाइल तैयार किया है ये दोनों आप ले करके जाएंगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये होती है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है उस टॉपिक के बारे में थियोरेटिकली आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए हो सकता है कि आपसे आपके एक्सटर्नल सर इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या आपके प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड कोई भी वायब पूछ सकते हैं ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है तो मैंने आपको ये बताया और आपको यदि ये, ये अच्छा लगा हो तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सो आप इसे लाइक करें या डिसलाइक करें यदि अच्छा लगा तो ठीक है यदि अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि इसमें आपको क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा थैंक यू